कहता है एक एम मास का ब्लॉक है सस्टेंडेड फ्रॉम द टू कपल्ड स्प्रिंग कनेक्टेड इन सीरीज। अब टू कपल्ड स्प्रिंग, दो स्प्रिंग है उनको जोड़ दो सीरीज में, एक स्प्रिंग ये हो गया और एक वाली स्प्रिंग ये हो गया, ये स्प्रिंग के वन हो गया, ये के टू हो गया, यहां से एक ब्लॉक लगा दिए एम मास का, ये वाली चीज के वन के टू। तो द फोर्स कॉन्स्टेंट ऑफ स्प्रिंग के वन एंड के टू यहां पर दिया हुआ है, टाइम पीरियड ऑफ द सस्टेंडेड मास। अब इसका जो टाइम पीरियड है वो कितना होगा, टाइम पीरियड जो होता है एक स्प्रिंग का 2 पाई m/k अंडर रूट होता है, ये वाली चीज। तो टाइम पीरियड 2 पाई m/k होता है। अब यहां से जो है के इफेक्टिव यहां लाएंगे, जब आपको सीरीज में होता है तो आपको पता होगा सीरीज में के इफेक्टिव कितना होता है, जो रेजिस्टेंस के अपोजिट चलता है, सीरीज में रेजिस्टेंस आर वन आर टू होता है। तो यहां पर जो सीरीज में स्प्रिंग आता है 1/k1 + 1/k2 आता है, मतलब के इफेक्टिव आ जाएगा सीरीज में के वन के टू और आ जाएगा के वन प्लस के टू, तो ये वाली चीज। तो हम अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ तो 2 पाई m और ए इफेक्टिव के वन के टू और आ जाएगा के वन प्लस के टू और ये अंडर रूट। तो दिस इज द फाइनल सोल्यूशन 2 पाई m/k1 + k2 और ये, तो ये दिस इज द फोर्थ ऑप्शन, दिस इज द फाइनल सोल्यूशन। तो दिस इज ऑल अबाउट द सिंपल हार्मोनिक मोशन फ्रॉम मी। आई होप कि आप जितने क्वेश्चन में करवाए हैं उतना कर लोगे तो आपके सिलेक्शन की जो प्रोबेबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।